हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अशोक और स्वागत है आपका मैथ्स एंड केमिस्ट्री में। सो बच्चों देखो, आज की रीडिंग देखकर कुछ आइडिया आपको लग गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री की एबीसीडी। बच्चों केमिस्ट्री की एबीसीडी का मतलब ये है कि आज के लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री से जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। और आज का लेक्चर बेटा स्पेशली उन बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे बच्चों के लिए बेटा, बट स्पेशली उन बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनको लगता है कि उनकी केमिस्ट्री क्या है, काफी वीक है, या फिर उनको केमिस्ट्री एकदम समझ में ही नहीं आती है, या फिर बहुत कम समझ में आती है। सो बेटा, अगर आपको केमिस्ट्री नहीं समझ में आती है या बहुत कम समझ में आती है, तो उसके पीछे एकमात्र बस रीजन यही है कि कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का बेसिक आपका थोड़ा कमजोर है। और आज के लेक्चर में बेटा मैं उन्हीं बेसिस को फिल्टर करके यहाँ पर एक लेक्चर तैयार किया हूं मैं, ताकि आपके लिए केमिस्ट्री थोड़ी आसान हो जाए, समझना आसान हो जाए। देखो बच्चों, जैसे हर एक सब्जेक्ट का अपना एक बेसिक होता है ना, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको क्या आनी चाहिए, एबीसीडी आनी चाहिए। अगर आपको हिंदी पढ़ना लिखना है तो आपको क्या आना चाहिए बेटा, क ख ग घ। आपको मैथ लगानी है तो क्या आना चाहिए, 1 2 3 एंड टेबल आना चाहिए। तो जैसे हर एक सब्जेक्ट का बेटा अपना एक बेसिक होता है ना, वैसे ऑब्वियस सी बात है कि केमिस्ट्री का भी अपना एक बेसिक होगा। और जब तक बेटा बेसिक नहीं तैयार है, तब तक आपको चीजें आ ही नहीं सकती है। सो बेटा देखिए, उन्हीं बेसिस को लेकर मैंने आज का एक लेक्चर तैयार किया है। इस लेक्चर को मैंने बेटा 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका पार्ट 1, फिर आएगा इसका पार्ट 2। तो बेटा शुरू करते हैं केमिस्ट्री के बेसिक से लेकर। और केमिस्ट्री के बेसिक में बेटा शुरुआत वहीं से करेंगे जहां से हम केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। और जैसे बेटा केमिस्ट्री की बात आती है, आपके पास सबसे पहले एक सवाल आता है, व्हाट इज एन एटम, एटम क्या होता है। सो बेटा देखो, एटम को हम फील करेंगे, देख तो सकते नहीं इसको, हम फील करेंगे कि एटम हमारे अराउंड कहां कहां है, कैसा होता होगा एटम। सो बेटा बस इतना समझ लो कि हर एक चीज हमारे अराउंड, इस यूनिवर्स में कोई भी मैटर है तो हर एक चीज किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है। एटम बेटा एक स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर की तरह इसको माना जाता है कि एक स्फेरिकल गोलाकार बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, और वही छोटे 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 बॉल लाइक स्ट्रक्चर मिलके एक बड़ी सी चीज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे बच्चों तुम कुछ ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि इतना बड़ा बेटा मैं अगर मिट्टी का ढेर ले लूं, तो मिट्टी का ढेर ले लूं, अगर उसको ऐसे बारीक पाउडर के फॉर्म में उसको मसल दूं, तो जैसे उस मिट्टी का ढेर जो इतना बड़ा था और उसको मसला, तो बारीक पाउडर के फॉर्म में छोटे छोटे कण गिरने लगे कि नहीं, छोटे छोटे पार्टिकल बन गए। बिल्कुल उसी तरीके से बेटा हर एक सब्सटेंस, इवन ए पेन हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये सारी चीजें बेटा छोटे 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 स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर के मिलने से बने होते हैं। और उन्हीं स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं बेटा, एटम। यानी एक चीज तय है कि हर एक चीज को बनाने के लिए बेटा किसका यूज किया गया है, एटम का ही यूज किया गया है। यानी हर एक मैटर का जो बेसिक यूनिट है, हर एक मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, इस पेन का भी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है बेटा, जिसको अगर छोटे 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 टुकड़ों में अगर किया जाए, तो जो सबसे छोटा लास्ट में टुकड़ा बचेगा बेटा, वही क्या है, एटम। यानी एटम को आप कैसे कहेंगे कि एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल द सब्सटेंस। हमारे अराउंड जितनी भी चीजें पाई जाती है बेटा, ये पेन हो गया, कागज हो गया, आपका चेयर हो गया, टेबल हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये इंक हो गया, हर एक चीज, हवा, पानी, हर एक चीज बेटा अगर कोई मैटर है तो किससे मिलके बनता है, एटम से मिलने से ही बना होता है। फील हुआ बेटा, हर एक चीज किससे मिलके बना हुआ है, एटम से, एटम नहीं तो कुछ नहीं। अब बेटा अगर एटम के हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि एटम आखिर में दिखता कैसा होगा, तो एटम को बच्चों एक स्फेरिकल सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर माना गया है। कि एटम एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, और उस बॉल लाइक स्ट्रक्चर के 2 भाग होते हैं बेटा, एक बाहरी भाग होता है यानी आउटर पार्ट, और एक होता है सेंट्रल पार्ट। यानी कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि एक बड़ी सी बॉल है और उसके बीचों बीच क्या होता है, एक बहुत ही छोटी सी बॉल रख दी गई है। एक बड़ी सी बॉल है और उसके बीचों बीच क्या है बेटा, एक बहुत ही छोटी सी बॉल रख दी गई है। यानी एटम के कितने भाग होते हैं, 2 भाग। अब उस बड़ी सी बॉल यानी आउटर पार्ट को हम नाम देते हैं सेल, क्या नाम देते हैं, सेल। और जो सेंट्रल वाली बॉल होती है बेटा, उसको नाम देते हैं न्यूक्लियस। अब ये चीज और समझना है बेटा, कहते हैं कि एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल और बेसिक यूनिट ऑफ ऑल द सब्सटेंस। यानी हर एक चीज को बनाने के लिए किसका यूज किया गया, एटम का।
बट बेटा एटम भी तो कुछ चीजों से मिलके बना है। अब जो लोग एटम को बनाते हैं बेटा उन पार्टिकल का नाम देते हैं फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। यानी एटम भी अपने आप में कुछ पार्टिकल के मिलने से बना होता है और जो पार्टिकल बेटा मिलके एटम को बनाते हैं उन पार्टिकल का नाम देते हैं फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, या फिर नाम देते हैं बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। तो सब एटॉमिक का मतलब क्या होता है बेटा, एटम से छोटे, जैसे एक होता है इंस्पेक्टर एक होता है सब इंस्पेक्टर, तो सब जो वर्ड आता है इसका मतलब क्या होता है छोटा। यानी एटम मिलके हर एक चीज को बनाता है और एटम खुद किस से मिलके बना होता है बेटा, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बना होता है, उनको क्या नाम देते हैं फंडामेंटल पार्टिकल और सब एटॉमिक पार्टिकल। उन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल में से बेटा कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जो मेनली तीन सब एटॉमिक पार्टिकल माने जाते हैं, किसके बेटा एटम के। तो आप कहेंगे कि एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल द सबस्टेंसेस एंड एटम कंसिस्ट ऑफ थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखो बेटा एटम बेसिक यूनिट ऑफ द सबस्टेंस और मैटर क्या होता है एटम, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल, नेमली नाम क्या है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब वो जो पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं बेटा एटम के जो अंदर पाए जा रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है नो चार्ज। न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल होता है बेटा जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, याद करना भी आसान है। अगर पी से प्रोटॉन है बेटा तो P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव, अगर प्रोटॉन पर पॉजिटिव है तो ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन पर कैसा होगा नेगेटिव ही होगा। P से प्रोटॉन, P से पॉजिटिव, अगर प्रोटॉन पर पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होगा, और N से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से आया न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है बच्चों, ठीक है। यानी बेटा देखो अगर एटम के ओवरव्यू को देखा जाए उसके स्ट्रक्चर के बारे में कल्पना की जाए तो अभी जैसे आपसे बात की गई कि एटम क्या होता है कि स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, इसके दो भाग होते हैं, इस आउटर पार्ट का नाम देते हैं सेल, अब इसी सेल के अंदर क्या होता है बेटा ये इलेक्ट्रॉन लगातार क्या होता है घूमता रहता है। यानी एटम के दो भाग होते हैं बेटा, एक आउटर पार्ट और क्या होता है एक सेंट्रल पार्ट। तो आउटर पार्ट में क्या होता है इलेक्ट्रॉन लगातार रिवॉल्व करते रहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन एटम में कहां रहता है सेल में रहता है और बैठा नहीं रहता है, लगातार क्या रहता है बेटा घूमता रहता है, आलसी किस्म का नहीं है ये, ठीक है ना। तो आलसी किस्म का नहीं है बेटा, इसीलिए आज हम इसको पढ़ रहे हैं ना। सो आलस त्यागो बच्चों, आते हैं अपने काम पर, समझे ना। तो आलस त्यागना पड़ेगा बेटा तब लोग हमको पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को पढ़ रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन आलसी की तरह बैठा नहीं है। सो बेटा देखो एटम के दो भाग होते हैं, एक होता है आउटर पार्ट एक होता है सेंट्रल पार्ट। आउटर पार्ट को नाम देते हैं क्या दी शेल, और इसी शेल के अंदर क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन लगातार क्या होता है रिवॉल्व करता रहता है घूमता रहता है, और इसके सेंट्रल पार्ट को नाम देते हैं न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस में यानी कि इसके अंदर दो पार्टिकल पाए जा रहे हैं बेटा, एक क्या था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी हमारे पास थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल थे उसमें से एक सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कहां पाया जा रहा है सेल के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर बेटा दो सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना। अब बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ मिला के कलेक्टिवली टुगेदर एक नाम दिया जाता है न्यूक्लियॉन्स, क्या नाम देते हैं न्यूक्लियॉन्स। यानी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। ये सवाल बेटा पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, चार ऑप्शन दे देगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तमाम चीजें। तो आपको क्या चुनना है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, क्यों, क्योंकि बेटा ये दोनों कहां प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। क्लियर बच्चों अभी तक। अब एक बात और समझो बेटा, कोई एटम क्या होता है प्राकृतिक रूप से यानी कि नेचुरली न्यूट्रल होता है, एक एटम के ऊपर नेचुरली कोई प्लस चाहे कोई माइनस चार्ज नहीं होता है, एक एटम के ऊपर कोई प्लस चाहे कोई माइनस चार्ज नहीं होता है, यानी एटम कैसा होता है न्यूट्रल होता है। अच्छा बेटा अगर कोई न्यूट्रल चीज है इसका मतलब तो साफ है कि उसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने क्या होंगे नेगेटिव होंगे। यानी कोई चीज न्यूट्रल है तो साफ है उसके अंदर जितने पॉजिटिव होंगे उतने क्या होंगे नेगेटिव होंगे।
यानी बेटा एटम न्यूट्रल है, यानी कि एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और ऐसे एटम जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बिल्कुल बराबर हो उनको नाम देते हैं न्यूट्रल एटम। हालांकि बेटा ये एटम इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे तो आयन बनाएगा, बट नेचुरली प्राकृतिक रूप से एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, यानी किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। सो ये बेटा एटम है, बट अगली बात आती है कि एक छोटा सा चीज मिलके कैसे कोई बड़ी चीज बना लिया यार, एक छोटा सा चीज बेटा गोला सा चीज कैसे मिलके कोई बड़ी चीज बना लिया भाई, बच्चों अकेले बेचारा क्या बना लेगा, कुछ नहीं बना पा रहा है ना, तो काम क्या करता है अपनी कॉलोनी बनाता है बेटा। जैसे बच्चों समझ लो, अगर मैं कहूं कि इस घर का बेसिक यूनिट क्या है, ये घर किन किन चीजों से मिलकर बना है, किस बेसिक यूनिट से बनके बना है, इसका आधार यूनिट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, ईंट, क्योंकि घर किससे बना है, ब्रिक से। बट एक बात बताओ, क्या एक अकेले ब्रिक रख देंगे तो घर बन जाएगा, नहीं बनेगा ना, ब्रिक मिलके क्या बनाती है बेटा, दीवार बनाती है, और कई सारी दीवारें मिलके क्या बना लेती है, घर बना लेती है। बिल्कुल उसी तरीके से बच्चों ये एटम मिलके अगली यूनिट अगली चीज बनाता है, और वो सारी चीजें मिलके क्या होती है, किसी सब्सटेंस का फॉर्मेशन करती है। तो एटम मिलके क्या अगली चीज बनाता है, यहां पर आते हैं बेटा। देखो बच्चों एक चीज और समझो, हर एक चीज तो अलग अलग कलर की होती है, उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, तो ऑब्वियस सी बात है यार कि हर एक चीज अगर एटम से बनी है तो उन चीजों के जो एटम है वो भी अलग अलग होंगे, उनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी, तो पहचानेंगे कैसे बेटा। यानी एक चीज तो क्लियर है कि सारे के सारे एटम एक जैसे नहीं है, हर एक एटम अलग अलग है, उसका मास अलग है, उसकी प्रॉपर्टी अलग है बेटा। यानी देखो बेटा ये एटम अलग अलग हो सकते हैं, और एटम मान लो सिमिलर टाइप के हैं, तो एटम अलग अलग होते हैं, जब ये मिलके कोई चीज बनाएंगे बेटा तो हो सकता है कि कई सारे सेम टाइप के एटम मिलके बना ले, या हो सकता है अलग अलग तरह के एटम मिलके बना ले। जैसे दीवार अगर बनानी है बेटा तो हो सकता है भाई कि बिल्कुल प्लेन दीवार बनाए आप, या हो सकता है बिल्कुल डिजाइनदार दीवार बनाए, छोटा ईंट बड़ा ईंट करके बनाए। बिल्कुल उसी तरीके से बेटा जो एटम होता है ना, ये कई तरह के एटम होते हैं, और वो सेम टाइप के एटम चाहे अलग अलग टाइप के एटम जब आपस में कंबाइन करते हैं तो एक जो अगली चीज बनती है क्या होती है, मॉलिक्यूल। क्या होती है बच्चों, मॉलिक्यूल। यानी एटम मिलके क्या बना लेता है, मॉलिक्यूल। एटम मिलके क्या बना लेता है, मॉलिक्यूल। सो मॉलिक्यूल को आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे इसको पहचानेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू, ध्यान से सुनना बच्चों, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सिमिलर और डिसिमिलर, दो या दो से अधिक सिमिलर चाहे डिसिमिलर एटम जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल। क्या समझोगे बेटा, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सिमिलर और डिसिमिलर एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। जैसे बच्चों देखो यहां पर मैंने सेम कलर से रिप्रेजेंट किया है, यहां पर सेम टाइप के एटम मिलके क्या बना था, अब जब दोनों मिल गए तो क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। अब दोनों मिल गए तो क्या बन गया, मॉलिक्यूल। अब बच्चों देखो यहां पर अलग अलग है, ये भी दोनों मिल गए तो क्या बन गया, मॉलिक्यूल। अब देखो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या मैंने रख दिया, एग्जाम्पल मान लो N2 नाइट्रोजन, क्या रख दिया, N2 नाइट्रोजन। इसमें साफ दिखा रहा है कि N के कितने एटम है, दो, और दोनों बराबर हैं कि नहीं, सेम टाइप के। और यहां पर देख रहे हो एक H अलग है और ये वाला अलग है, यानी बच्चों, और यहां पर भी एक चीज देख सकते हो, यहां पर तीन है, एक दो और तीन, यानी दो और एक तीन, यानी देखो दो या दो से अधिक सिमिलर चाहे डिसिमिलर एटम जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल। और हमारे अराउंड बेटा जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो मॉलिक्यूल में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, HCl, H2O, H2SO4, CO2, ये सभी क्या है, मॉलिक्यूल। N2, Cl2, Br2, ये सभी क्या है, मॉलिक्यूल। अब जैसे बेटा खाली दीवार बनने से घर नहीं ना बनेगा, यानी खाली मॉलिक्यूल बन गए तो यही कोई चीज थोड़ी बना लेंगे, इनको तो कोई देख भी नहीं पा रहा यार। तो करते क्या है बेटा,
जब इनकी बहुत सारी कॉलोनी इकट्ठा हो जाएंगी, यानी ऐसे बहुत सारे यूनिट जब इकट्ठा हो जाएंगे तब कोई सामान बन के तैयार हो जाएगा, और ऐसे बहुत सारे यूनिट जब इकट्ठा हो जाएंगे तब कोई सामान बन के तैयार होगा। यानी एटम ने मिलकर क्या बनाया था, मॉलिक्यूल। अब बेटा मॉलिक्यूल मिलकर हमारे अराउंड पाए जाने वाले मैटर बनाते हैं, सामान बनाते हैं, सब्सटेंस बनाते हैं। यानी मॉलिक्यूल मिलकर सामान बनाते हैं। अब मॉलिक्यूल कितने तरह के, दो तरह के थे, एक तो सेम टाइप के एटम से बनने वाले मॉलिक्यूल, एक क्या होता अलग अलग तरह के एटम के बनने वाले मॉलिक्यूल। यानी बेटा सेम टाइप के एटम के बनने मॉलिक्यूल इकट्ठा होंगे तो अलग सामान बनेगा, अलग मैटर बनेगा, और जब अलग अलग तरह के एटम के बनने हुए मॉलिक्यूल जब इकट्ठा होंगे तो अलग तरह का सामान बनेगा, और उन सामान को क्या नाम देते हैं बेटा, अगर सेम टाइप के एटम से बने हुए मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाते हैं तो जो मैटर बनता है, जो सब्सटेंस बनता है, उसको क्या नाम देते हैं, एलिमेंट। और अगर अलग अलग तरह के एटम के बने हुए मॉलिक्यूल जब इकट्ठा होते हैं तो क्या बन जाता है, कंपाउंड। यहीं से बेटा एलिमेंट और कंपाउंड के डिफिनेशन को हम क्लियर करेंगे। यानी ये क्या कहेंगे कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जब सेम टाइप के एटम के बने हुए मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाते हैं तो वो चीज क्या बन जाता है, एलिमेंट, वो तत्व बन जाता है बेटा। जैसे बच्चों अगर मैं अपने अराउंड से, आप अपने अराउंड देखें तो एल्युमिनियम का वायर देखें बच्चों, आपने गोल्ड देखा होगा, सिल्वर देखा होगा, तो एल्युमिनियम हो गया, चाहे गोल्ड हो गया, चाहे सिल्वर हो गया, चाहे कॉपर हो गया, वो सभी में क्या हो रहा है, एक तरह के पार्टिकल इकट्ठा है सभी में, एक तरह के। यही तो एलिमेंट बना कि नहीं, यानी एटम मिला तो क्या बन गया, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल कितने तरह के थे, दो तरह के बेटा, सेम टाइप के एटम से बनने वाले और अलग अलग तरह के एटम के बनने वाले। जब सेम टाइप के एटम के बनने वाले मॉलिक्यूल इकट्ठा होते हैं तो उस सब्सटेंस को क्या नाम देते हैं, एलिमेंट। और बच्चों जब अलग अलग तरह के बने हुए एटम से मॉलिक्यूल जब इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, कंपाउंड। यानी कंपाउंड का बेटा अगर एग्जाम्पल लेंगे तो क्या ले सकते हैं, अगर आप एलिमेंट का एग्जाम्पल लेंगे तो क्या ले सकते हैं, अगर मैं एल्युमिनियम का वायर लूं बेटा तो उस एल्युमिनियम के वायर में सबके सब एल्युमिनियम, 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 सबके सब क्या होंगे, एल्युमिनियम के ही पार्टिकल रहेंगे, सबके सब एल्युमिनियम, मतलब ए भी एल्युमिनियम, 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 एल्युमिनियम। यानी बेटा एल्युमिनियम एल्युमिनियम दो हो गए, एल्युमिनियम एल्युमिनियम दो हो गए, ये दोनों इस तरीके से। तो ऐसे बेटा पूरा यूनिट बना के एक जगह जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उस सब्सटेंस को क्या नाम देते हैं बेटा, एलिमेंट नाम देते हैं। तो एलिमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट, समान तरह के बेटा एटम के समूह को क्या नाम देते हैं, कलेक्शन को एलिमेंट नाम देते हैं। अब बच्चों देखो कंपाउंड क्या होता है, वो मॉलिक्यूल जो अलग अलग तरह के एटम के मिलने से बने थे जब वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो क्या बन जाता है, कंपाउंड। अरे यार अपने अराउंड बेटा कंपाउंड का एग्जांपल बताओ फटाफट। अरे वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल। वाटर बेटा अगर ग्लास में हमने ले लिया, देखिए यहां पर लिया है मैंने, वाटर ले लिया ग्लास में। अब इस वाटर बेटा ये जो H2O है, यानी ये H2O, ये H2O, H2O, जब H2O बहुत सारे इकट्ठा हो गए हैं तो H2O मॉलिक्यूल बहुत सारे इकट्ठा हो गए हैं तब क्या बन जाता है, कंपाउंड। यानी वाटर क्या है, कंपाउंड है बेटा। अभी मैंने बताया कि ये मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, सामान बनाते हैं हमारे अराउंड, और हमारे अराउंड जो सामान बनाते हैं वो सामान दो तरह के होते हैं, या तो वो एलिमेंट होगा या तो क्या होगा, वो कंपाउंड। एलिमेंट कब होगा बेटा, जब सेम टाइप के एटम से बने हुए मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाते हैं, और जब अलग अलग तरह के एटम के बने हुए मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाते हैं एक साथ तो क्या बन जाता है, कंपाउंड। जैसे बेटा मान लो अगर वाटर की बात करते हैं तो वाटर अलग अलग तरह के एटम से बना था, अभी तो एक है, अभी पूरा इतना ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड। जैसे एक गिलास पानी हमने ले लिया, जब एक गिलास पानी लिया बेटा तो एक गिलास पानी क्या कहलाएगा, वो समान है तो एक गिलास पानी क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। उसमें से छोटा सा यूनिट निकाल लेंगे तो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल। यानी बेटा इस कंटेनर का पानी क्या है, ये सामान क्या है, कंपाउंड, जो कैसे बना हुआ था, इन सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करने से बना था, इन सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करने से बना था। इसमें से जब छोटी यूनिट एक निकाल लेते हैं तो वही क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल। यानी बेटा एटम मिलके क्या बना लेता है, मॉलिक्यूल।
और मॉलिक्यूल मिलके दो चीजें बनाते हैं, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। और एलिमेंट कैसे आप पहचानेंगे, जब सेम टाइप के एटम के बने हुए मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या बनता है, एलिमेंट। और जब अलग अलग तरह के बने हुए एटम के मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, कंपाउंड। अगर आपने एक कंटेनर में बेटा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया है तो पूरा सल्फ्यूरिक एसिड का कंटेनर क्या कहलाएगा, वो पूरा कंपाउंड कहलाएगा। उसमें से एक निकाल लेंगे तो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल। यानी बच्चों जो फार्मूला हमारे कंपाउंड का होगा वही फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूल का होगा। जो फार्मूला हमारे कंपाउंड का होगा वही मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका होगा, मॉलिक्यूल का होगा। अगर सल्फ्यूरिक एसिड कंपाउंड है बेटा तो कहेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, H2SO4 ही कहेंगे। और वहां से एक जब निकाल लेंगे आप उसको भी क्या नाम देंगे, H2SO4। यानी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड का होता है वही मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूल का। अंतर बस इतना होता है बेटा कि मॉलिक्यूल बेचारे एक अकेला बैठा हुआ है और बहुत सारे वैसे मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है। सो आई थिंक बेटा अगर एलिमेंट का एग्जाम्पल लेंगे, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब बेटा देखो अगर कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड में CO2 हो गया, H2 हो गया, H2SO4 हो गया, NaOH हो गया, NaCl हो गया। हाँ, बस अंतर क्या है मॉलिक्यूलर कंपाउंड में कि कंपाउंड उनका एक क्या होता है, इकट्ठा किया हुआ फॉर्म होता है, और मॉलिक्यूल उसका क्या होता है, एक सिंगल यूनिट होता है। अभी तक बच्चों यहां तक क्लियर है बेटा मेरे ख्याल से, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा मान लो ये मॉलिक्यूल आ गया, अब देखो दो चीजों के साथ आपका सामना हमेशा होता रहेगा बेटा, एलिमेंट एटम, एलिमेंट एटम। और इन सब चीजों के साथ यानी एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड, ये चार चीजें पहले आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। अब बेटा जो एलिमेंट है जब हम पढ़ेंगे तो हमको पढ़ना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल। सो पीरियोडिक टेबल में जितने भी 118 सिंबल रखे गए हैं लेटर के, वही सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट। यानी जो सिंबल यानी जो लेटर यूज करते हैं हम रिप्रेजेंट करने के लिए सब्सटेंस को, वो लेटर क्या बताता है, एलिमेंट बताता है। यानी पीरियोडिक टेबल में कुल कितने अभी तक 118 एलिमेंट हैं, AL हो गया बेटा, H हो गया, HE हो गया, CL हो गया, तो ये सब लेटर जब भी आएंगे तो आपको ये मान लेना है, समझ लेना है कि वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट को। अब बच्चों देखो मॉलिक्यूल की बात करते हैं, एलिमेंट की बात हो गई, अब एक अगला टर्म आ जाता है एटॉमिसिटी। अगला टर्म क्या आ जाता है बेटा, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है बेटा, एक मॉलिक्यूल में कुल कितने टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। एक मॉलिक्यूल में कुल नंबर ऑफ एटम को काउंट कर लो बेटा, और वही टोटल नंबर ऑफ एटम क्या कहलाता है, उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कहलाता। जैसे बच्चों कह दिया कि H2SO4 की एटॉमिसिटी कितनी है, तो एटॉमिसिटी याद रखना है आपको, एक मॉलिक्यूल में कुल कितने टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है वही क्या कहलाता है, उसकी एटॉमिसिटी। जैसे बेटा आप डिफिनेशन वाइज देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 की अगर बात करते हैं तो H2SO4 कहते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है, अब देखो ये हाइड्रोजन, ये सल्फर और ये ऑक्सीजन, ये सब बेटा जो लेटर है ना वो एलिमेंट को बताते हैं, वो क्या बताते हैं, एलिमेंट। यानी पहली बात तो आपको ये जानकारी रखनी है कि इस सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल में एलिमेंट कितने हैं, तीन एलिमेंट है, कौन से, ये लेटर हाइड्रोजन H, लेटर S, लेटर O। यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि जो भी ABCD, ALCL जो लेटर यूज किया जाता है वो एलिमेंट को बताता है। तो अगर कोई पूछे कि इसमें कितने एलिमेंट है तो जवाब क्या होना चाहिए, तीन एलिमेंट है, कौन से बेटा, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। अब इसके नीचे जो ये सब नंबर लिखे रहते हैं बेटा, उस एलिमेंट के कितने एटम है वो बताते हैं। अरे यार एलिमेंट एटम के मिलने से बना है, कौन से, ये लेटर हाइड्रोजन H, लेटर S,
लेटर ओ, यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि जो भी ए बी सी डी ए एल सी एल जो लेटर यूज किया जाता है वो एलिमेंट को बताता है। तो अगर कोई पूछे कि इसमें कितने एलिमेंट है तो जवाब क्या होना चाहिए, तीन एलिमेंट है। कौन से बेटा? हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। अब इसके नीचे जो ये सब नंबर लिखे रहते हैं बेटा, उस एलिमेंट के कितने एटम है वो बताते हैं। अरे यार, एलिमेंट एटम के मिलने से बना है कि नहीं? तो उस हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने एटम है, सल्फर एलिमेंट के कितने एटम है, ऑक्सीजन एलिमेंट के कितने एटम है। यानी बच्चों, ये रहा हमारा पूरा मॉलिक्यूल, ये जो सिंबल रहा वो क्या बता दिया, एलिमेंट, और इसके बेस पर लिखा हुआ नंबर क्या बताता है, उस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम बताता है। यानी कहेंगे कि हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने एटम है, दो। सल्फर एलिमेंट का यहां पर कुछ नहीं लिखा तो क्या मानेंगे, वन। और ऑक्सीजन एलिमेंट का कितना एटम है बेटा, चार। बस वही आप काउंट कर लीजिए, एक मॉलिक्यूल में बेटा एलिमेंट कितने थे, एक दो तीन, और एटम कितने थे, हाइड्रोजन एलिमेंट के दो एटम, सल्फर एलिमेंट का एक एटम और ऑक्सीजन एलिमेंट का चार एटम, तो टोटल कितने हो गए, सात। तो यहां पर आप कह देंगे कि H2SO4 की एटॉमिसिटी कितनी है बेटा, सेवन है। H2SO4 की एटॉमिसिटी कितनी है, सेवन। अभी क्लियर हुआ बेटा, व्हाट इज एटॉमिसिटी, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में बेटा कुल कितने टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, वही क्या कहलाती है, उसकी एटॉमिसिटी। अब बेटा जो एटॉमिसिटी है ना, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम, उस मॉलिक्यूल में कितने एटम है, उस स्पेसीज में कितने एटम है, ये एटॉमिसिटी को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होता है मोनोएटॉमिक, एक होता है पॉलीएटॉमिक। एक्चुअली मोनोएटॉमिक है, मोनो का मतलब क्या होता है, एक, एटॉमिक मींस एटम। तो ऐसे स्पेसीज बेटा जिसमें केवल एक एटम हो उनको क्या नाम देंगे, मोनोएटॉमिक। क्या नाम देंगे, मोनोएटॉमिक। यानी कि एटॉमिसिटी को बेसिकली टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया बेटा, मोनोएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। मोनो का मतलब क्या होता है, एक, और पॉली का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। यानी ऐसे स्पेसीज, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें क्या होता है केवल एक एटम हो बेटा, उसको क्या नाम देते हैं, मोनोएटॉमिक। जैसे बेटा कार्बन, कार्बन के आगे कुछ नहीं लिखा था क्या मान लेंगे, एक, ये मोनोएटॉमिक स्पेसीज है। ये सोडियम के आगे एक है, मोनोएटॉमिक। यहां पर नियॉन के आगे क्या है, कुछ नहीं तो एक मानेंगे, मोनोएटॉमिक। मैग्नीशियम का आगे कुछ नहीं, क्या मानेंगे, मोनोएटॉमिक। क्लियर है? यानी मोनोएटॉमिक का मतलब क्या होता है, ऐसी स्पेसीज, ऐसे एटम, ऐसी स्पेसीज, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें क्या होता है बेटा, ऐसे एलिमेंट जिसमें केवल एक नंबर ऑफ एटम हो, यानी नंबर ऑफ एटम केवल एक हो बेटा, वो क्या कहलाता है, मोनोएटॉमिक। अगर बेटा ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे स्पेसीज जिसमें एक से ज्यादा एटम आ जाए उनको क्या नाम देते हैं, पॉलीएटॉमिक। देखो बेटा, स्पेसीज नाम इसलिए दे रहा हूं ना कि वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो आयन भी हो सकता है। तो चाहे मॉलिक्यूल हो चाहे आयन हो, आयन क्या होता है अभी हम लोग आएंगे, उसमें केवल अगर एक नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ एटम टोटल एक है तो क्या कहलाएगा, मोनोएटॉमिक। अगर एक से ज्यादा है तो क्या कहलाएगा, वो पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में देख सकते हैं बेटा, ये दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, छह, सात, तमाम हो सकते हैं। तो पॉलीएटॉमिक में अगर दो एटम होंगे तो उस मॉलिक्यूल को क्या नाम देंगे, डायएटॉमिक। तीन एटम होंगे तो क्या नाम देंगे, ट्राईएटॉमिक। चार एटम होंगे तो क्या नाम देंगे, टेट्राएटॉमिक। सो बच्चों देखो, ये जो पॉलीएटॉमिक और मोनोएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक आपने देखा कि मोर देन वन एटम हो जाएंगे। जैसे H2O में कितने एटम है बच्चों, तीन एटम है। हाइड्रोजन का कितना है, दो। ऑक्सीजन कितना होता है, एक। अभी H2SO4 में हम लोगों ने कितने, सात है, गिन लिया था, इसमें कोई बात नहीं। NH3 में कितने एटम बेटा, नाइट्रोजन का एक, हाइड्रोजन का तीन, टोटल कितने हो जाएंगे, चार, एक्सेट्रा। यानी इस तरीके से आप गिन सकते हैं। अब बच्चों देखो, मैं यहीं पर आ गया आपके पास फिर से। पॉलीएटॉमिक में कैटेगराइज किया गया है कैसे, डायएटॉमिक। डायएटॉमिक मींस क्या होता है, जिसमें दो एटम हो। अब साफ देख पा रहे हैं, ऐसे लिखा रहेगा यार, ऐसे लिखा रहेगा, नहीं लिखा रहेगा तो अलग अलग रहेगा, तो भी पहचान लेंगे कैसे। हाइड्रोजन एलिमेंट का दो एटम, ऑक्सीजन एलिमेंट का दो एटम, नाइट्रोजन एलिमेंट का दो एटम। यहां पर बच्चों हाइड्रोजन का एक और क्लोरीन का कितना है, एक। हाइड्रोजन का एक और ब्रोमीन का कितना है, एक। तो ये भी दो, 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 यानी सब क्या है, डायएटॉमिक। अगर बेटा तीन एटम आ जाए तो क्या हो जाता है, ट्राईएटॉमिक हो जाता है।
तीन एटम आ जाते हैं तो क्या होता है ट्राइटॉमिक। जैसे बच्चों ये ऑक्सीजन एलिमेंट का कितना एटम है तीन, ये भी ट्राइटॉमिक, मतलब सेम टाइप भी हो सकता है, अलग अलग लोग भी मिल सकते हैं। यहां पर बेटा हाइड्रोजन का दो और ऑक्सीजन का कितना होता है एक, ट्राइटॉमिक। यहां पर कार्बन का एक, ऑक्सीजन का दो एटम, कौन सा हो जाएगा ट्राइटॉमिक। ये एच हाइड्रोजन का एक, कार्बन का एक, नाइट्रोजन का एक, यहां पे तीनों अलग अलग है, ये भी कौन सा हो जाएगा ट्राइटॉमिक। क्लियर है। टेट्राटॉमिक मींस क्या हो जाएगा चार एटम होंगे, वैसे ही बाकी सब जैसे हैं। नाइट्रोजन का कितना है एक, हाइड्रोजन कितना होगा तीन, तीन और एक चार। फॉस्फोरस का कितना बेटा एक, क्लोरीन का कितना होता है तीन, तीन और एक चार। यहां पर फॉस्फोरस केवल चार है, तो इस तरीके से बेटा एटॉमिसिटी आपने समझ लिया। क्लियर है? हाँ 100% क्लियर है यार, इसमें कुछ है नहीं बेटा, मेरे ख्याल से क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। फिर भी बच्चों देखो किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकता है मुझसे। अब बच्चों जब एटॉमिसिटी खत्म होती है, हमने अभी क्या समझ लिया, एटम मिलके सारी चीजें बनाता है, वो बनाने का स्टेप कैसा होता है, एटम पहले मॉलिक्यूल बनाता है और मॉलिक्यूल बना के बाकी सब सामान बनाते हैं। वो सामान कितने तरह का बन सकता है बेटा, दो तरह का, या तो एलिमेंट बना सकता है या तो कंपाउंड बना सकता है। और एटम खुद किन से मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, इसको क्या नाम दे सब एटॉमिक पार्टिकल। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज पॉजिटिव, यहां पे कैसा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, ये सब चीजें देख लिया। अब जैसा बेटा मैं पहले ही बता दिया था कि हर एक चीज का कलर चाहे हर एक चीज का अपना नेचर अलग अलग होता है ना, और हर एक चीज एटम के मिलने से बनी होती है, यानी बेटा हर एक एटम अलग अलग है, एटम की बहुत सारी वैरायटी है बेटा, ठीक है ना। तो एक चीज तो तय है कि यार एक एलिमेंट में कम से कम एक तरह का एटम पाया जाएगा, तो कम से कम 118 तरह के एलिमेंट है, तो कम से कम 118 तरह के एटम होंगे कि नहीं होंगे, ऑब्वियस बात है, क्योंकि हर एक एलिमेंट में कम से कम एक टाइप का एटम होगा कि नहीं। एल्यूमिनियम में एक टाइप, नाइट्रोजन में एक टाइप, आयरन में एक टाइप, तो टोटल ऐसे 118 है, तो एटलीस्ट कम से कम 118 तरह के होंगे कि नहीं, हालांकि उससे ज्यादा भी होंगे, क्यों, क्योंकि उसमें आइसोटोप भी होंगे, और आइसोटोप क्या होंगे बेटा हम लोग आगे आएंगे। अभी इतना जाने कि जब 118 तरह के एलिमेंट है बेटा, तो 118 तरह के एटम है। अब बच्चों उन 118 तरह के एटम को पहचानने के लिए कुछ तो होना चाहिए यार, वो एटम आईडी कार्ड लेके नहीं ना घूम रहा है कि देखो मैं हूं कार्बन, मैं हूं कार्बन, मैं सिल्वर, मैं सिल्वर, मैं हूं गोल्ड, मुझे अपने घर ले चलो, ऐसा कुछ नहीं कहेगा बेटा, वो तो सब गोल गोल है यार। अब ये समझ लो जैसे क्लास में बेटा जितने बच्चे होते हैं वो सबकी शकल अलग अलग है आप लोगों की, अब शकल अलग अलग है तो आसानी से पहचान लेते हैं, बस समझो यार कि सबकी शकल एक जैसी होती, सब आलू की तरह होते, तो कोई पहचान में आता क्या, नहीं आता पहचान में ना, तो इस समय क्या करना बेटा, सबको एक यूनिक नंबर देना पड़ता और वही क्या नाम देते, रोल नंबर। यानी बेटा जिस तरीके से अगर स्टूडेंट लोग आलू होते तो उनको पहचानने के लिए क्या देना पड़ता है, एक रोल नंबर, उसी तरीके से बच्चों ये एटम को पहचानने के लिए एक नंबर दिया जाता है, और उस एटम के नंबर को नाम देते हैं एटॉमिक नंबर। क्या नाम देते हैं, एटॉमिक नंबर। यानी 118 तरह के एलिमेंट है तो कम से कम 118 तरह के एटम होंगे बेटा, तो 118 एटॉमिक नंबर तो जरूर होगा ना, सबका एक दो तीन चार पांच छह करके। बट वो एटॉमिक नंबर होता किससे भाई, कितने बराबर होता है, सिंपल सी बात है बेटा, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और क्या होता है बताइए, न्यूट्रॉन। सो एटम के न्यूक्लियस में कुल कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। किसी एटम के न्यूक्लियस में कुल कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है बच्चों, वही क्या कहलाता है, उसका एटॉमिक नंबर। यानी बच्चों किसी एटम के न्यूक्लियस में अगर 10 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 10 ही होगा, और न्यूट्रल 10 इलेक्ट्रॉन भी होगा। बट इलेक्ट्रॉन को भी छोड़िए, एटॉमिक नंबर का बेस किसको माना गया बेटा, प्रोटॉन को ही माना गया है। तो क्यों प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर माना गया, भाई इलेक्ट्रॉन को भी तो मान सकते थे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नहीं मान सकते हैं बेटा। एक्चुअली आपसे पहले ही मैंने बताया कि हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को चेंज कर सकते हैं, एटम इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है यार, ऐसे तो उसका रोल नंबर बदलता रहेगा ना, उसका एटॉमिक नंबर बदलता रहेगा। बट वी कैन नॉट चेंज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बच्चों हम बदल नहीं सकते हैं, तो हम उन्हीं चीज को बेटा हम आधार मानते हैं जिसको बदला नहीं जा सकता।
इसलिए प्रोटॉन को ही क्या माना गया, एटॉमिक नंबर का बेस माना गया, ठीक है। और न्यूट्रॉन को नहीं मान सकते हैं बेटा, क्यों नहीं मान सकते हैं, क्योंकि देखो अगर हाइड्रोजन बेचारे की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप पड़ेंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इसमें बेटा प्रोटियम के पास न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, इसका मतलब तो उसको कोई नंबर ही नहीं मिलता। सो इसलिए बेटा केवल प्रोटॉन को ही क्या माना गया, एटॉमिक नंबर माना गया। यानी बच्चों देखो एटॉमिक नंबर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना जेड से, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी जेड इक्वल टू कितना होता है पी, यही सत्य है बेटा। हाँ एक छोटी बात और है कि इफ एन एटम इज न्यूट्रल, इन न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी न्यूट्रल एटम की कंडीशन में बेटा एटॉमिक नंबर किसके बराबर भी हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सो यही बच्चों देखो इन न्यूट्रल एटम एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन व्हिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई, क्लियर है। तो इस तरीके से बेटा हर एक एटम का अपना एक एटॉमिक नंबर होता है। अब जानते हैं बेटा एक दूसरा नंबर भी उसके साथ है बेटा, उसको क्या नाम देते हैं, मास नंबर। मास नंबर बेटा कहीं ना कहीं उसके वजन को बताता है, इतना समझो, इतना ही समझो कि मास नंबर कहीं ना कहीं क्या बताता है, उसके वजन को, उसके मास को बताता है कि कौन कितना भारी है। जिसका मास नंबर ज्यादा रहेगा बेटा थोड़ा ज्यादा भारी होगा, जिसका मास नंबर कम होगा क्या होगा, थोड़ा कम भारी होगा। जो आलू बड़ा रहेगा बेटा क्लास में ज्यादा भारी होगा, जो आलू छोटा रहेगा कम भारी होगा। तो हर एक एटम का एटॉमिक नंबर के साथ साथ दूसरा चीज क्या होता है, उसका एक मास नंबर भी होता है। और मास नंबर कितना होता है ये भी आपको जानना है बेटा, बेसिक है, बहुत ही बेहद इसका इंपॉर्टेंट। मास नंबर क्या होता है बेटा, किसी एटम के न्यूक्लियस में, याद रखो बच्चों, किसी एटम के न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या कहलाते हैं, मास नंबर। यानी किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, उन दोनों को ऐड कर दो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन्हीं की संख्या का योग, इन्हीं की संख्या का ऐड क्या कहलाता है, उस एटम का मास नंबर कहलाता है बच्चों। कैसे बेटा, देखो मास नंबर ए, ए से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, यानी याद रखना एटम के साथ दो चीज जुड़ रही है, एक उसका मास नंबर, एक होता है इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर पी के बराबर। और मास नंबर क्या होता है बेटा बताइए, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर इक्वल टू क्या बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी बेटा न्यूक्लियॉन्स की संख्या को ही क्या नाम देंगे, मास नंबर देंगे। एक बहुत बड़ा जानते हो अंदर की चीज बताऊं आपको, एक चीज आगे चल के पढ़ेंगे एटॉमिक मास। देखो एटॉमिक मास और मास नंबर है अलग अलग चीज, बट वैल्यू वाइज न्यूमेरिकली दोनों बिल्कुल एक बराबर है बेटा। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, अब मास नंबर क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और तीसरा चीज आपको जो देखनी है आगे चल के, एटॉमिक मास, और वो एटॉमिक मास किसके बराबर होता है बेटा, न्यूमेरिकली यानी वैल्यू वाइज किसके बराबर होता है, मास नंबर के बराबर होता है। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए इक्वल टू पी प्लस एन। तो बेटा अगर हमको इसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना था तो आसानी से हो गया यार, आपने जेड पता कर लिया वही नंबर ऑफ प्रोटॉन था यार, और न्यूट्रल था तो अगर न्यूट्रल रहेगा तो वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे पता करें भाई, कैसे पता करेंगे, इस मास नंबर का यूज करके। अभी तो बताया गया यार कि मास नंबर ए इक्वल टू कितना होता है, पी प्लस एन होता है कि नहीं, यानी मास नंबर ए अगर जानकारी रहे, नंबर ऑफ प्रोटॉन की जानकारी रहेगी, हम तो क्या पता कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता कर सकते हैं। यानी बेटा एन इक्वल टू ए माइनस पी, यहीं से आया एन इक्वल टू ए माइनस पी, ठीक है बच्चों। अब बेटा देखो ये पी इक्वल टू जेड भी हो सकता है, तो ए इक्वल टू जेड प्लस एन भी कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पी बराबर क्या है, जेड भी है। तो अगर बेटा एक एटम के साथ दो प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है, उसका एक नंबर और उसका क्या चीज बेटा, एक
मास नंबर, तो अगर कोई एलिमेंट के साथ इन दोनों चीजों को ऐड करके दिखाना पड़े कि बताइए इसमें से क्या चीज इसका एटॉमिक नंबर है और क्या चीज का मास नंबर है, तो आपको ये तरीका लगाना पड़ेगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दो। करेक्ट, इफ एम इज एन एलिमेंट, कहेगा मान लो एम एच एम कोई एक एलिमेंट है। अरे यार एलिमेंट है तो किससे मिलकर बना होगा, एटम का ही ना, तो यार जो प्रॉपर्टी एलिमेंट की होगी वही प्रॉपर्टी एटम की होगी ना। तो जब हम एटम के बारे में बात करेंगे तो एक यूनिट की बात कर रहे हैं और एलिमेंट मतलब बहुत सारे यूनिट मिलकर बात कर रहे हैं उसकी। तो बेटा देखो ये अगर ये कह रहा है कि अगर एम कोई एलिमेंट है तो उसके साथ उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, बड़ा ध्यान से सुनना। ये सपोज करो देन एम के बेस पर जो लिखा है बेटा, यहां बच्चों जो नीचे लिखा है एम के बेस पर, बेस को कहते हैं सबस्क्रिप्ट, क्या नाम देते हैं सबस्क्रिप्ट, तो नीचे जो लिखा रहता है ये नंबर कहलाता है एटॉमिक नंबर, और जो बेटा जो ऊपर लिखा है चाहे इधर हो सकता है चाहे इधर हो सकता है, ये ही क्या कहलाता है मास नंबर चाहे एटॉमिक मास, मास नंबर चाहे एटॉमिक मास। यानी बच्चों जैसे अगर कह दिया कार्बन है तो कार्बन के नीचे अगर 6 लिखा है तो यहां पर कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6, अब एटॉमिक नंबर 6 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, क्योंकि न्यूट्रल है, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। दूसरा बेटा इसके जो ऊपर लिखा हुआ है इसको सुपरस्क्रिप्ट नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं सुपरस्क्रिप्ट, इसके ऊपर जो लिखा रहता है वो क्या होता है बेटा इसका मास नंबर चाहे एटॉमिक मास होता है। यानी 6 कार्बन 12 चाहे 6 कार्बन 12 इस वाली चीज को हम क्या नाम देंगे बेटा, नाम देंगे मास नंबर चाहे एटॉमिक मास। तो यार अगर ये पता चल गया ये पता चल गया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं पता कर सकते हैं क्या, कर लिए ना, क्योंकि ए पता चल गया 12 और पी पता चल गया 6, तो एन निकाल लेंगे तो इन कितना आ जाएगा 6 आना है बेटा। ऐसे याद रखना बेटा एन से नंबर, एन से नीचे जो नीचे प्रेजेंट रहता है ना उसके पैर के पास वो क्या रहता है एटॉमिक नंबर। और दूसरी बात ऐसे भी याद रखो बेटा ना कि अगर कोई सामान लेके जाते हो यार, कोई मास लेके जाते हो, कोई वजन लेके जाते हो, तो आप सिर पर रख के ही तो लेके जाते हैं, यानी ऊपर जो रहेगा सिर पर वो क्या है बच्चों, वो है एटॉमिक मास चाहे मास नंबर, और जो नीचे है वो क्या कहलाएगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर। सो बेटा देखो आज के इस वाले टॉपिक में हम लोगों ने इतनी सारी चीजें पढ़ी, और बच्चों देखो अगर आप चाहते हैं कि आपको केमिस्ट्री थोड़ा अच्छे से समझ में आने लगे तो ये बेसिक की शुरुआत है बेटा, ये सारे टर्म आपको आने ही चाहिए, और बेटा फिर से हम इसके अगले टर्म की बात करेंगे अब, ठीक है। सो बेटा इतना आपको क्लियर होना चाहिए, किसी कोई डाउट है बच्चे अभी जितना पढ़े नहीं है ना, बिल्कुल समझ में आ गया बेटा, कोई डाउट है बच्चों तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। साथ साथ बेटा एक चीज और, जिन बच्चों को जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है बेटा वो कमेंट कर देगा कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के दीजिए, मेरा टॉपिक कमजोर है, बिल्कुल बेटा क्लियर कट कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको और 100% समझ में आना है, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए बस इतना ही बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग, ठीक है।